मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। सारंगी जी ने जब अभी कल अपनी सारंगी बजाई थी तो विपक्ष के चेहरे पर रोष के भाव, गुस्से, पीड़ा, दर्द मैंने महसूस किया, तो मुझे एक शेर याद आया कि तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, ये चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। फिर इधर बड़ी जब यहाँ योजनाएं बताई जा रही थी तो उधर पेट में मरोड़ हो रही थी, यूपीए ने ये किया, यूपीए टू ने ये किया, मुझे पतझड़ों की कहानियां सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया तो गुजर गया। सर मैं 5वीं बार दिल्ली आया हूँ, उधर बैठा करता था। एक करोड़ से शुरू किया था, 5 करोड़ छोड़ के गया था। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा का निर्माण करता रहा। एक बार सोचा कि जिंदगी भर किया क्या, एमपी बनते रहे, विपक्ष में रहे, क्षेत्रीय दलों में रहे, ये खरंजा निर्माण करते रहे। पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दुनिया के सबसे मशहूर प्रसिद्ध नेता मोदी जी के नेतृत्व में एमपी बन के आगरा से आया हूं, तो राष्ट्र निर्माण में मेरी भूमिका हो रही है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा, वैसे काम उन्होंने अच्छा नहीं किया था, लेकिन अब अच्छे में कन्वर्ट हो गया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत गरीब घर में पैदा किया। अगर गरीबी में नहीं पैदा होते और गरीबी भोगी नहीं होती तो लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं आती। अगर नामदार की तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए होते तो गरीबों का भला होने वाला नहीं था। मैं तो ईश्वर से फिर कहूंगा कि जब तक लोकतंत्र रहे, जिसने गरीबी भोगी हो उसी को प्रधानमंत्री बनाना, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की एक पूछ की रात कहानी है। उसको डनलप पिलो पर सोने वाले और एयर कंडीशन में रहने वाले और टॉमी हिल पहनने वाले और रेबन का चश्मा लगाने वाले उसे याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की रात एक पिछौरा में काटी हो, चादर में काटी हो। तो मोदी जी ने काटी है, इसलिए गरीबों के लिए तमाम योजनाएं ये आई हैं। इंटॉलरेंस की बातें बड़ी हुई, मैं उन दिनों यहां नहीं था, लखनऊ में था। मुझे बड़ा आज ये अचंभा हो रहा है कि आज टुडे इज द ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। आज ही के दिन जब मैं 14 साल का था आपातकाल लगा था और इधर से जिक्र ही नहीं हुआ आपातकाल का, आज ही के दिन मेरे लिए छोड़ा था, आज के दिन लगा था काला दिवस, जिक्र होना चाहिए, ट्विटर पे नहीं रखना चाहिए, यहां इनके बारे में बताना चाहिए, मेरे लिए छोड़ा तो मैं बता रहा हूँ। आज ही के दिन अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी, मुरारजी भाई, चरण सिंह जी, मधु लिमये, मधु दंडवते, सब बंद कर दिए थे आपने। बादल साहब को भी, प्रकाश सिंह बादल हमारे ने, बिजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव यहां तक आते हैं। आप इनटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उस दिन मालूम क्या लिखा था दुष्यंत के, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर उस दिन आपने ये कह दिया था आज बादल हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी आपको जेल भेज देते हैं कि आप हमारी सरकार की आलोचना कर रहे हो। मेरे गांव के एक टांगे वाले ने केवल यह कह दिया कि चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल, 19 महीने जेल में रहा था चेयरमैन सर वो। और उसी दिन मनु शर्मा जी ने, हेमंत शर्मा जी के पिताजी हैं, उसी रात उन्होंने लिखा था कि मौसम के आंखों में नमी हो गई, लगता है कोई गमी हो गई। मेरे टेबल पर पड़ी संविधान की पुस्तक में बहुत सारे पन्नों की कमी हो गई। तो संविधान ने आपातकाल का कुछ कहा है, उस परिस्थितियां नहीं थी जिसमें वो लगा था। फिर दुष्यंत को लिखना पड़ा कि उस समय के हालात याद करो 74-75 के, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहूं इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। किसके लिए कहा था? जयप्रकाश जी के लिए कहा था। इन्होंने बंद किया था। एक बूढ़ा आदमी है इस मुल्क में, या यूं कहें
इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। इन्होंने उस रोशनदान को बंद कर दिया, जीपी साहब को जेल भेज दिया, किडनी खराब हो गई। डायलिसिस शब्द मैंने बचपन में तभी सुना था जब उनकी डायलिसिस जसलोक अस्पताल में हुई थी। आज माफी मांग लो तो ठीक रहेगा, या इंटॉलरेंस कहना बंद कर दो। चले गए तो साथियों, ये सरकार जो आई है, ये केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के परिश्रम की पराकाष्ठा के पसीने से ये खुशबू आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग यहां पर बैठे हैं। आपने भी कहा था गरीबी हटाओ, लेकिन हटी नहीं, क्योंकि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है। अगली लाइन पे ताली बजाना कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? तो रिक्शा चलाने पे आप मजबूर हो नहीं सकते। इस शौचालय शब्द को आप नॉनवेज क्यों कहते रहे अभी तक? हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पे 15 अगस्त में शौचालय का जिक्र किया। हम सारे लोग, ये तीनों, हम चारों सब गाँव से ही आए हैं। महिलाएं खेत में जाती थी शौच के लिए, फिर 3-4 दिन बारिश होती है, जिसको हम लोग झड़ी कहते हैं, तो खेत की मेड़ पर बैठती हैं, फिर पानी ओवरफ्लो करता है तो गांव की सड़क पर बैठती थी। अचानक हेडलाइट वाली कार आती थी या गांव का बुजुर्ग निकलता था, शौच करते हुए खड़े होती हैं। इस देश में अध्यक्ष जी कहा गया है कि खाना खाते हुए कोई साहब आ जाए, लाट साहब आ जाए, आपको उठना नहीं है। खाना खाते हुए उठने में कौन सी आंतें उलट जाएंगी, लेकिन शौच करती हुई महिला को जब खड़ा होना होता है तो उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है, पेट भी खराब होता है और कपड़े भी खराब होते हैं। तो इस दर्द को नेहरू, अच्छा बहुत छोटा काम है, एक दिन आप में से किसी ने कहा 12,000, छोटा काम था तो नेहरू जी कर जाते, इंदिरा जी कर जाती, मोरारजी भाई कर जाते, चरण सिंह कर जाते, देवगौड़ा गुजराल कर जाते, जॉन ऑफ कनेडी वाला, अच्छा चलो आप बोलना। तो इस दर्द को समझाओ, इज्जत घर नाम दिया है। आईवाजिन पुलिस, अगर 100 बलात्कार की FIR आती है तो 90 तब आती हैं शौच करती हुई जाती हुई महिला के साथ बलात्कार होते हैं, क्योंकि वो अंधेरे महिलाएं जाती हैं सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, इसका लाभ गुंडे भी उठाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि महिलाएं ग्रुप में शौच के लिए जाती हैं, असुरक्षा की भावना होती है। कभी आपने आदमियों को, 10 आदमियों को शौच, बीड़ी पीते हुए शौच करते हुए 10 लोगों को बैठे देखा है? क्योंकि वो सुरक्षित हैं। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आवास, पॉलीथिन में देखते हैं हम लोग, खपैल में देखते हैं, छप्पर में देखते हैं। पूर्वांचल का तो बहुत बुरा हाल है, वो बिहार का एक शहर है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, नाराज हैं। दिल पर रखकर हाथ ये कहिए, देश के आजाद है? और कोटियों से मुल्क के मेयर मापदंड, कोटियों से मुल्क के मेयर को मत आंकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। तो इस आधे हिंदुस्तान की चिंता मोदी जी ने नगरी, प्रधानमंत्री नगरी आवास और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना करके करने का काम किया है। उज्ज्वला सर, मैं जब MP बन के आया था यहाँ पर, गंगवार साहब थे सर, 40 कूपन मिलते थे हम लोगों को, 48 आ रहे हैं, आप तो बहुत दोनों सीनियर हो, 48 हम लोगों को कूपन मिलते थे तीसरे महीने, और 1200 एप्लीकेशन आ गई थी पहले दिन। 5000 में कूपन बिकता था, हाँ, जो बेईमान थे वो बेचते थे। तो कहा गया कि क्षेत्र में आप दो, जिससे क्षेत्र में पैसे लोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सर, मेरा भतीजा मैनपुरी में रहता है, बलराम सिंह यादव, वहाँ पे MP थे, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आदरणीय MP साहब, मेरा भतीजा आपके क्षेत्र में रहता है, उसको एक कूपन दे दें। तो उन्होंने उस चिट्ठी के पीछे लिखा कि मेरा साढ़ू तुम्हारे क्षेत्र में रहता है, पहले तुम दो तो मैं दूंगा। सर, कहने का मतलब ये है कि एक MP दूसरे MP से आदान प्रदान कर रहा था, आज गाँव की अंतिम महिला को जय चूल्हा दिया है। इसी को अंत्योदय कहते हैं। और एक अपना अनुभव आपके शहर से इसलिए बताऊंगा, आपको पता है मैं मेरठ में था, पुलिस में था, मैं घर छुट्टी पर गया तो माँ रात में 7 बार उठी, पूरी फैमिली आई हुई थी बच्चों को दूध गर्म करने के लिए, तो बॉटल का दूध गुनगुना पीते हैं। तो मैंने कहा आप तो रात भर नहीं सोई हैं। तो मैं जब लौट के आपके शहर में आया, पता नहीं लोकसभा में उस एजेंसी का नाम लेना चाहिए, ले देता हूँ, पूरी गैस एजेंसी, कोई कर्नल की वाइफ थी, तो मैंने उनसे कहा मुझे गैस चाहिए, तो उन्होंने कहा फॉर्म भर दो। मैंने कहा कब आऊँ, बोले 5 साल बाद आना। तो मैंने अपने पुलिस के इशारों को देखा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मदत्त से लिखवा दो। तो मैंने कहा ये कौन है, बोले पेट्रोलियम मंत्री। मैंने कहा मेरी वहां तक पहुंच नहीं है। फिर मैंने नियमों के तहत उनकी कार का चालान 5-7 बार किया, तो
फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहा इतवार को गैस ले जाना। तो मैंने कहा चूल्हा नहीं लूंगा, चूल्हे में ही आपके यहाँ बहुत इनकम होती है। तो वो सुरतीगंज में सर वो सरदार बनाता है, तो मैंने कहा उससे मैं चूल्हा ले लूंगा, लेकिन गैस चूल्हा भरा हुआ सिलेंडर रेगुलेटर लेके उसी दिन छुट्टी लेके संगम एक्सप्रेस में बैठ के मैं अपने गांव गया। और मैंने अपनी माँ को जब वो दिया तो उन्होंने कहा सोना चांदी हीरे जवाहरात से बढ़ के ये गिफ्ट। मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा आपकी उज्ज्वला को। 6 महीने बाद दोबारा गया तो मैंने कहा माँ बड़ी परेशानी होती होगी, ब्लैक में इटावा जाते होगे, एजेंसी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अमृत की तरह इसको खर्च कर रही हूँ। तो 3 पुलिस अफसरों की माँ और 1 पुलिस अफसर की पत्नी के लिए जब वो एक बहुत बड़ी सोना चांदी से बड़ी गिफ्ट थी, आज मोदी जी ने गांव की अंतिम महिला को वो गैस सिलेंडर देने का काम किया। आयुष्मान, हम सब लोग गांव से आए हैं सर, जब हम बीमार होते हैं ना तो एक आध दिन तो ऐसे ही काट देते हैं, अगले दिन हम चाय में तुलसी जी पी करके अपने बुखार को उतारते हैं, उसके अगले दिन काढ़ा पीते हैं, फिर ठीक नहीं होते हैं तो 10, 15, 25, 35, 38 जो रुपए होते हैं उसे लेकर के एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, यार बुखार आ रहा है। वो कहता भैया 5 दिन का कोर्स है, भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स 2800 रुपये की दवाई दो। तो वो बिना रैपर की, बिना बहुराष्ट्रीय कंपनी की लाल नीली पीली कुछ गोलियां कागज में मोड़ करके दे देता है और हमारी किडनी को खराब करता है। हम सबको मरना है, लेकिन अब मोदी जी के जमाने में इलाज के अभाव में किसी को नहीं मरना है। और सर जहाँ दिल्ली आए हैं ना, यहाँ तो 7 5-star होटल से बड़े अस्पताल हैं, अगर धोखे में हमारे गांव का कोई यहाँ आ गया ना तो सारे खेत बिक जाएंगे। जो ठीक होते हैं वो भी मैनेजमेंट को आलोचना करते हैं कि 10 लाख खर्च होने के बाद अभी खिचड़ी नहीं खा रहा, और जो ठीक नहीं होता वो कहता 8 लाख चले गए, 3 रुपये सैकड़े पे ब्याज पे लाए हैं, अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इनके सबके दर्द को अगर किसी ने समझा है तो मोदी जी ने समझा है, इसलिए मैं हृदय के अनंत गहराइयों के साथ उनका। और अभी क्या है, 19 है 24 में जब आप जाओगे ना, अभी तो योजना शुरू की है, तो हर गांव में एक मरीज किडनी ट्रांसप्लांट कैंसर वाला या बाईपास वाला मिलेगा। और आप ये नीली लाल झंडे वाले अगर पहुंच गए ना वहाँ, वो कह देगा घर की तरफ आना मत, मैं मर रहा था, 5 लाख में इलाज मोदी जी ने कराया, इधर की तरफ गाड़ी तुम्हारी आनी नहीं चाहिए, गाड़ी तोड़ दी जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ ये आयुष्मान 5 साल बाद देखना। तो ये चिकित्सा सरकार का बहुत समझो, रोज हम लोग एम्स के लिए चिट्ठी लिखते हैं। तो आयुष्मान बहुत बढ़िया बात है, 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति साल, मैं बद्दुआ देता हूँ किसी को इसका लाभ ना मिले, लेकिन बीमार होते हैं लोग, ऐसे समय जब 3 रुपए सैकड़े पे ब्याज पे आते हैं उससे मोदी जी इंतजाम कराएंगे। मुद्रा, अंडे वाला, केले वाला, ठेले वाला, चाउमीन वाला, बर्फ वाला, पंचर वाला 50,000 रुपये से अपने रोजगार कर रहा है। श्रमजीवी लोग हैं, अगर ये 50,000 नहीं देते ना आप तो वो कट्टा हाथ में लेता, अपराध करता। तो मुद्रा योजना के लोन ने अपराध को भी कम करने का काम किया है। यूपी पा रहा हूँ सर, किसान की आय दुगना, प्रधानमंत्री ने कहा, मैं बड़ा चौंका कि ना तो आलू दुगने होंगे, ना गेहूं, ना धान, आय कैसे दुगनी हो जाएगी। रात में अखबार पढ़ा कि पोल्ट्री के द्वारा, पिगड़ी के द्वारा, मधुमक्खी द्वारा, स्प्रिंकलर द्वारा, ड्रिप इरीगेशन के द्वारा और फूल फल की खेती के द्वारा, नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, झंडे में जो चक्र है वो नीला है, वो प्रगति का सूचक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नीली क्रांति होगी, इससे दुगनी नहीं होगी, ये 4 गुनी होगी, क्योंकि अभी 5 दिन पहले तक मैं मछली का मंत्री था और पशुपालन मंत्री था, और रीता जी भी थी, मैंने इरीगेशन का मंत्री था। किसान की आय दुगनी इन्हीं माध्यम से हो सकती है, और अब पशुपालन विभाग बना दिया, मैं इसी का मंत्री था, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, फिर 13,000 करोड़ पहली कैबिनेट में दे दिया है। जिस राज्य में अच्छा पशुपालन होता है वहाँ के किसान कभी देवी आपदा आने पर आत्महत्या नहीं करते, ये हमारी बादल जी बैठी हुई हैं, क्योंकि ये मुर्रा भैंस, साहिवाल, थारपारकर, गिर गाय करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं आत्महत्या, बुंदेलखंड के करते हैं, वो छोटी छोटी गाय हैं, गोबरी गाय हैं, चाय वाली गाय हैं, वो दूध वाली गाय है ही नहीं है। इसलिए पशुपालन के लिए 13,000 करोड़ रुपये देने का काम किया, और नीली क्रांति में हम मछली, पूरा साउथ उसका फायदा उठाएगा नीली क्रांति में। विदेश नीति, शपथ हुई, मैं मुझे भी थोड़ा सा अच्छा ही लगा, अच्छा खत्म कर रहा हूँ। तो सर मैडम विदेश नीति, यू कैन चेंज योर वाइफ बट नॉट योर नेबर। पड़ोसियों को पिछली सरकार में 14 में शपथ लेते ही उनको निमंत्रण दे दिया, नवाज शरीफ आए, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ तो मुझे लगा कि नहीं बुलाना चाहिए। अच्छा बुलाया, फॉर्मेलिटी हो गई, अम्मी के लिए सॉल भी दे दी, 2 कदम आगे। इसके बाद चौंक गए हम लोग कि अपनी जान को खतरा में लेके और शगुन का लिफाफा देने श्रीमान जी चले गए हमारे प्रधानमंत्री जी।
हमने स्नेह भरे दो हाथ बढ़ाए और उन्होंने क्या किया, पठानकोट, हमने स्नेह भरे दो हाथ बढ़ाए, उन्होंने पहले चूमा फिर चाटा फिर काटा। तुमसे तो अच्छे होते हैं कुत्ते जिसको चाटते हैं फिर काटते नहीं। तो दही के धोखे में चूना चाट गया पाकिस्तान, दही के धोखे में चूना। ये वो वाला नहीं है कि पार्लियामेंट पर अटैक कर दो और कुछ हो ना। तो उन्होंने पठानकोट, हमने उरी, उन्होंने पुलवामा तो बालकोट। तो इस बार मालूम क्या हुआ कि जो आतंकवादी मरे तो मौलाना से उन्होंने कहा कि भाई आप तो कहते हो कि जन्नत मिलती है मरने पे, हुरे स्वागत करती हैं। इस बार मोदी जी ने इतनी बारूद डाल दी एयरफोर्स ने कि वो जन्नत से ऊपर चले गए। तो इस बार जन्नत भी नसीब नहीं हुई है, गिनो जाके शौचालय भी गिनो जाके। मैंने संख्या नहीं शौचालय की नहीं बताई, मैं आयुष्मान की बताई। सुनो तो बस, ये लाश गिनने जाते हैं तो शौचालय भी गिन के आए, इसलिए मैं आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ इस बार। खत्म कर रहा हूँ सर, सबसे बड़ी तारीफ की बात है कि जीरो करप्शन के साथ 5 साल सरकार। काजल की कोठरी में 5 साल रहो और एक टीका लगा के ना आओ, ये पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। ये केवल कोई फकीर हो या सन्यासी हो या औगाड़ हो, हमारे मोदी जी इसी सीमा में आते हैं। एक दाग नहीं, आप तो 48 में ही शुरू हो गए थे, कृष्णा मिलन के समय शुरू हो गए थे। अच्छा 12-13 मेरे पास 150 कांड हैं, लेकिन बस अंतरिक्ष में नहीं, कहीं कहीं नहीं छोड़ते। अंतरिक्ष में 2G, जमीन में वो 4, और जमीन के नीचे पाताल में कोयला। तो ना पाताल छोड़ा, ना जमीन छोड़ी, ना अंतरिक्ष छोड़ा। मोदी जी अंतरिक्ष में तिरंगा फहराना चाहते हैं, ये 2G और कॉमनवेल्थ इसमें अपना फहराना चाहते हैं। तो फकीर कर सकता है साहब, ना मांझी ना रहवर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है। फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न खोने की चिंता, न पाने की चिंता, न खोने का डर है। इसलिए वही आदमी कर सकता है इस देश को जो फकीर नुमा हो। बिजली पे बस सर खत्म कर रहा हूं, बिजली पर जो लचकर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। जो लचकर रहे, आऊंगा उस पर भी, उसी से पड़ोसी को ठोकेंगे अभी थोड़े दिनों बाद, जो उसी से ठोकेंगे अपन। जो लचकर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई जमसुदी की झोपड़ी, सरपंच की चौपाल में 5 साल में बिजली पहुंचा दी, जो हम 70 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भैया महाठगबंधन पर थोड़ी चर्चा हो जाए। चेयरमैन सर बस खत्म कर रहा हूँ, बहुत साल पहले हमारे चाचा कौटिल्य ने कहा था कि कोई राजा जब बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर द्रव संधियां हुआ करेंगी। तो ये द्रव संधि हुई थी, एक दूसरे को गाली देने वाले, गेस्ट हाउस कांड का वर्णन करने वाले आपस में। अच्छा करना ही था, ये तो होना ही था। क्यों होना था? 14 में 00, मलुक नागर की पार्टी 00, सपा वाले बूथ कैप्चर से 5, और इधर माँ बेटे, इधर बाप बेटे भी लोकदल में हार गए थे, बाप बेटे भी लोकदल में हार गए थे। इस बार गाय बछड़ा में से बछड़ा गायब हो गया है, ये कांग्रेस का पुराना चुनाव चिन्ह है। तो भैया ये तो होना ही था, और ये भी होना था, मैं भी चुनाव में कहता था कि मेरी आज की तारीख स्थान समय नोट कर लो, चुनाव के बाद बहन जी एक PC बुलाएंगी और उसमें कहेंगी अखिलेश यादव ने हमारा वोट ले लिया लेकिन हमको वोट ट्रांसफर नहीं किया। तो मेरे को राजनाथ सिंह जी ने एक दिन टोका, मैंने कहा कि ये सरकार अगर बन भी जाए तो नहीं चलेगी, वो कहेंगे कि रितेश पांडे। अच्छा सर बस खत्म कर सर, बस एक मिनट आप कंक्लूड, बिल्कुल एक बहुत समय हो गया, बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूँ। सर सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा यूपी में होता रहा, ये गठबंधन मालूम क्यों हुआ? तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। तो इस बार ये बारी बारी बंद हो गए, योगी जी आ गए। तो फिर इन्होंने कहा गठबंधन करो तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, और मिलकर करेंगे दिल्ली की लूट की तैयारी। तो यहाँ फिर दिल्ली का रास्ता यूपी से, ये गाजियाबाद से आ गया, हम लोगों ने घुसने नहीं दिया। बस इतना ही मुझे कहना चाहता सर, आगरा से आता हूँ, बस एक मिनट बस तुम खत्म कर रहा हूँ। नॉन पॉलिटिकल, जल शक्ति मंत्रालय बन गया है, यमुना में पानी नहीं है, बैराज बहुत जरूरी है, गिरता हुआ भूजल स्तर बहुत बड़ी समस्या है, ताजमहल को खतरा है अगर पानी नहीं रहेगा। तो सर यमुना में पानी रहे और
हमारा इंटरनेशनल शहर है, इंटरनेशनल स्टेडियम हो, 15-20 हज़ार गोरे घूमते रहते हैं, अगर कोई आईपीएल हो जाएगा तो हमें रेवेन्यू मिलेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, एयर कनेक्टिविटी आगरा से ठीक से, कोई भी दुनिया का आदमी अगर पर्यटन की दृष्टि से हिंदुस्तान आता है तो ताजमहल, यहाँ जाता तो जयपुर जोधपुर जयपुर। समाप्त कीजिए। बस मैं आपसे आपके माध्यम से सर, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी हो जाए, बैराज बन जाए, इंटरनेशनल हो जाए, और सर अच्छा बस लास्ट में सुन लो कि पूरी धारा भी साथ में बात कीजिए तो कुछ और बात है, मिनट में कोशिश कीजिए पूरी साथ दे। हाँ नहीं तीन मिनट बस खत्म कर, तू पूरी धारा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। बस इसी उम्मीद के साथ थोड़ा अच्छी सरकार को समर्थन करो। बहुत बहुत धन्यवाद।